हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो है साइंस सेक्टर से। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि साइंस से वीडियो दीजिए। अभी हाल ही में रेलवे के वीडियो के और बहुत अलग अलग एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं, तो मैंने एक सोचा है कि कुछ साइंस के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टर्स को बारी बारी करके मैं डालूंगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा और याद भी हो जाएगा, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में इससे मदद ले पाएंगे। तो चलिए, आज मैंने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाया है विज्ञान के फिजिक्स सेक्टर से, जहाँ पर मापक यंत्र और उसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसको मैंने कलेक्ट किया है कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या अभी तक बने हैं या बनने की संभावना है, तो उन सभी मापक यंत्रों को मैंने एक साथ एडजस्ट किया है ये रेड कलर में, और उनका प्रयोग किस रूप में किया जाता है उसे मैंने ब्लैक कलर में लिस्टेड किया है, तो आसानी से हम लोग इसे याद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये कंप्लेंट बार बार आता है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने समय नहीं दिया। तो चलिए स्क्रीनशॉट पहले ही ले लें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में जो थीम आ रहा है एडुटेरिया से, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा लग रहा है। इस वीडियो में जो थीम आ रहा है वो योगेंद्र कश्यप जी का है, जो कि यूपी से है, उन्होंने भेजा है मुझे, तो मैंने उनका ये थीम इसमें ऐड किया है। उम्मीद करते हैं वो भी आपको पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। मापक यंत्र और अनुप्रयोग। बहुत सारे ऐसे मापक यंत्र हैं विज्ञान के क्षेत्र में जिसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है, तो हम लोग उसे एक ग्रुप वाइज बांटते जाएंगे और याद करते जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑडियोमीटर। अब ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के मापने में, ठीक है। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के मामले। इसको याद करना बहुत आसान है। ऑडियो, ऑडियो माने होता है साउंड, जैसे हम लोग वीडियो होता है वीडियो माने पिक्चर, ऑडियो माने साउंड, तो ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो आप यहां से इसके वर्ड के हिसाब से इसे जोड़ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑडोमीटर। तो हम लोग ऑटो जानते हैं, ऑटो रिक्शा, तो ऑटो को ऑडो कर देना है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जैसे ही करेंगे तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो एक वाहन कितनी दूरी तय कर रहा है इसे मापने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑडोमीटर। और अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने में इसका यूज किया जाता है। ये तीन अ वाले मैंने एक साथ इकट्ठे किए हैं, जिसमें ए से शुरू होता है। चलिए इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, और अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन का एक बॉक्स बनाएंगे और तीनों को तीनों याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये दो एल वाले, एल से जो वर्ड यूज होते हैं, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए। आप लोग पढ़े भी होंगे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है और दूध से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ लैक्टोमीटर, लैक्टिक अम्ल होता है उसमें, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ये बहुत सारे एग्जाम में आया है और आसानी से याद रख सकते हैं कि दूध की शुद्धता मापने से क्या समझते हैं। तो दूध का घनत्व अर्थात डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो दूध शुद्ध है, तो इसी तरह से उसके घनत्व अर्थात उसके डेंसिटी को मापकर दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब आ जाइए लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता का मापन। तो यहाँ हमने ध्वनि की तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर पढ़ा था, यहाँ प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्सीमीटर पढ़ रहे हैं। तो याद करना यहाँ आसान हो गया, दो एल वाले हैं, एक एल में है लैक्टोमीटर और एक में है लक्सीमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता माप रहे हैं और लक्सीमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता माप रहे हैं, तो इस दो को एक साथ याद कर लेंगे। अब आ जाइए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। यहाँ दो एच वाले हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं एग्ज़ाम में, हाइग्रो को हाइड्रो मार देते हैं। चलिए उसको कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हाइड्रो, जब हाइड्रो होगा तो इसका मतलब होगा ये घनत्व डन की माप करेगा, किसका माप करेगा, घनत्व की, और जब ग्रो होगा हाई ग्रो तो वह माप करेगा आर्द्रता की।
तो आसानी से याद कर सकते हैं कि हाइड्रोमीटर मीन्स सापेक्षिक घनत्व, अर्थात जल के डेंसिटी को मापना होगा तो हम हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, और जब वायुमंडल में मौजूद हवा जलवाष्प की मात्रा को मापना होगा तो हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हाइग्रोमीटर हवा में आर्द्रता का माप करता है और हाइड्रोमीटर जल में घनत्व की माप करता है। तो दो आसानी से याद हो गए हमें, हाइड्रो और हाइग्रो। फिर से एक बार रिकॉल कर ले पूरी तरह से ऊपर से, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, और अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने का यंत्र यानी ऊंचाई मापने का, लैक्टोमीटर दूध की सूखता, और लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता। और यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में घनत्व और हाइग्रोमीटर में हम जो है हवा में आर्द्रता का मापन करते हैं। चलिए आ जाइए नीचे, बैरोमीटर और मैनोमीटर। यहाँ ये दोनों मैंने जानबूझकर एक साथ लिखे हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने वायुमंडल चैप्टर में भी बताया था कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं और मैनोमीटर से हम गैसों के दाब को मापते हैं। एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है जो फिजिक्स में पूछ दिया जाता है कभी कभी, कि अगर बैरोमीटर आता है बैरोमीटर तो वायु दाब को मापते हैं, मैनोमीटर आता है तो गैसों के दाब को मापते हैं। बैरोमीटर वायु दाब, मैनोमीटर गैस का दाब। अमीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों विद्युत धारा से संबंधित है इसलिए मैंने इसे एक साथ लिखा है, याद रखना बहुत आसान है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो विद्युत धारा आ रही है कि नहीं आ रही है इसको मापने के लिए अमीटर, और वोल्टेज को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। तो दो यहाँ पे लाइट से जुड़े हुए मीटर हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। तो पूरा ये टेबल एक साथ पढ़ेंगे, फिर से रिकॉलिंग करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों यही पढ़ने का तरीका होता है, ग्रुप में डिवाइड करें, दो तीन ग्रुप आगे बढ़े, फिर पीछे जाएं, फिर पीछे से आएं, और लगभग चार पांच बार इसका अध्ययन करें। एक बार पढ़ने से अगर याद हो जाता तो सारी दुनिया को याद ही रहता है। तो दोस्तों आगे अगर आपको बढ़ना है तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे कैसे याद नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं, सर मुझसे याद नहीं होता। पता है दोस्त क्यों याद नहीं होता है? दो कारण होते हैं, एक याद आप करना नहीं चाहते, और दूसरा आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं भी नहीं, कम पढ़ूं और याद भी हो जाए। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे वो याद होगा, और जब एक बार हमारा ब्रेन याद करना सीख लेगा तो फिर कम पढ़ के भी याद किया जा सकता है। चलिए अब इस तरफ आते हैं, ये चार्ट जो है हमें याद हो गया। आते हैं इस तरफ, पाइरोमीटर, ये उच्च ताप मापने का एक तापमापी होता है जिससे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। ये पाइरोमीटर बहुत VVI है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअली यह थर्मामीटर का एडवांस वर्जन समझ लीजिए। थर्मामीटर में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। इसमें पाइरोमीटर में होता है उच्च तापमान मापते हैं, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से प्लस जो टेम्परेचर होते हैं उसके मापन के लिए, उच्च तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए एनीमोमीटर, इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे, वायु गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वायु की गति मापने के लिए। अब दोनों को याद कर लेंगे, पाइरोमीटर उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए, और जब हवा तेजी से चल रही है तो एनीमोमीटर वायु गति को मापने के लिए। तो दोनों को एक साथ बॉक्स बनाएं और याद कर गए। आ जाइए कैरेट मीटर, अब आप लोग जानते होंगे कि जो सोने की शुद्धता होती है वो कैरेट में मापी जाती है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, नहीं तो कैरेट से आपको याद हो गया तो कैरेट मीटर लगा देंगे, कैरेट में मीटर, तो स्वर्ण की शुद्धता, सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज करेंगे, कैरेट मीटर का यूज करेंगे। अब यहाँ आप कैरेट वर्ड पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं, जैसे आप पढ़े भी होंगे सोने की शुद्धता के बारे में। आ जाइए फैदोमीटर, ये भी बहुत आसान है, ये जब समुद्र की गहराई मापनी होती है तो इसके लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। अब जैसे हम स्थलीय भागों में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, किलोमीटर
मील इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम जलीय क्षेत्र में जाते हैं तो जलीय क्षेत्र में ऊपर की लंबी दूरी को मापना होता है तो हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं, और जब समुद्र की गहराई मापनी होती है तो फैदोमीटर में मापते हैं। एक फैदोमीटर लगभग 6 फीट के बराबर होता है। तो इस तरह से फैदोमीटर के माध्यम से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो याद हो गया, कैरोमीटर शुद्ध स्वर्ण यानी सोने की शुद्धता, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। आ जाइए स्टेथोस्कोप, कार्डियोग्राम, पॉलीग्राफ और स्फिग्नोमैनोमीटर, ये बायो सेक्टर का है, जो चिकित्सा क्षेत्र में स्पेशली यूज किए जाते हैं, उनको मैंने एक साथ सजाया। स्टेथोस्कोप क्या होता है कि ये डॉक्टर साहब जो कान में आला लगा के घूम रहे होते हैं तो हृदय की गति की ध्वनि को सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ये हृदय की गति को सुनने के लिए कि हार्ट बीट चल रही है या नहीं, चल रही है तो कितनी गति से चल रही है, तो उसको सुनने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। कार्डियोग्राफ होता है हृदय के गति का मापन, वहाँ केवल ध्वनि सुनना जाता है और कार्डियोग्राफ में हृदय की गति को मापा जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है छोटा सा, इसी से क्वेश्चन फंसा सकते हैं, तो इसलिए आप दोनों सुनेंगे, ठीक है। कार्डियोलॉजी एक्चुअली एक विभाग है जहाँ हृदय के ही अध्ययन किया जाता है, और उसी में ही कार्डियोग्राम कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हृदय की गति, और स्टेथोस्कोप में क्या होता है, हृदय की ध्वनि। तो आसानी से याद हो गया, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, कार्डियोग्राम हृदय की गति। अब आ जाइए पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, आजकल ये पुलिस वगैरह यूज करते हैं कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है या कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो कोर्ट के इजाज़त से उसका झूठ लाई डिटेक्टिव टेस्ट होता है, तो इसी में पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है, और वह कितना सही बोल रहा है या कितना झूठ बोल रहा है इसका टेस्ट इसके माध्यम से किया जाता है। तो पॉलीग्राफ के माध्यम से झूठ का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि वह झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफ से कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं, तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। अब आ जाइए स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या होता है, बीपी चेक करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इससे रक्तचाप यानी वही ब्लड का जो प्रेशर है यानी ब्लड का सर्कुलेशन है उसका मापन करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग। तो यहाँ पे आप आसानी से याद कर सकते हैं, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। पाइरोमीटर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उच्च टेम्परेचर को मापेंगे, एनीमोमीटर वायु की गति को मापेंगे, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, स्टेथोस्कोप हृदय की गति ध्वनि को सुनने के लिए, और कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापने के लिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, और स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप का पता लगाने के लिए या उसका माप करने के लिए। इसके अलावा दो मैंने और यूज किए हैं, एक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है दोस्तों, ये भूकंप का अध्ययन, एक पढ़े होंगे आप लोग कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और उसी सिस्मोलॉजी से वर्ड बना हुआ है सिस्मोग्राफ। तो जब भूकंप आता है उसकी तीव्रता क्या है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, और इससे पता चल जाता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए एक और यंत्र प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल पे उसके आंकड़े अंकित किए जाते हैं कि उसकी तीव्रता क्या थी, 6 थी 7 थी 8 थी, तो ये तीव्रता का मापन होता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन। और लास्ट है फोनोमीटर। अब देखिए यहाँ है ध्वनि की तीव्रता, और अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला भी था ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, तो दोनों में हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। बस अंतर यह है कि कभी आपको एग्ज़ाम में ये लिख के भी पूछ सकता है, कभी ये लिख करके भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे। फोनोमीटर आसानी से आप समझ सकते हैं कि आप फ़ोन का यूज करते हैं, बहुत सारे दोस्त अभी ये वीडियो भी फ़ोन पर ही देख रहे होंगे, तो फोनोमीटर क्या हो गया, ध्वनि की तीव्रता, यानी फ़ोन में ध्वनि कितना आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको याद करने के लिए इसको जोड़ लेंगे। फोनोमीटर
मीटर ध्वनि की तीव्रता और ऑडियोमीटर फ़ोन से ही ऑडियो निकल करके आपको ये मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, तो फोनोमीटर भी और ध्वनि के लिए ऑडियोमीटर भी, तो दोनों से आप इसे याद कर सकते हैं। अब बस इसे स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में पेन डाउन कर लें और इसे 4-5 बार दोहरा लें। अगर क्वेश्चन इससे आता है तो निश्चित रूप से आप बनाने में इसे सफल रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम आएंगे विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले उनको डील कर दूँ। अभी बहुत सारे दोस्तों के एग्ज़ाम हैं तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊं। फिलहाल मैं कुछ रीजनिंग के और इसके सब के वीडियो में धीरे धीरे लेके आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। एडुटेरिया के साथ जुड़े रहे, प्यार करें और जय हिंद।